स्वागत नहीं करोगे हमारा? नहीं। कोई बात नहीं यार, मैं ही कर देता हूँ। दोस्तों स्वागत है आप सभी का टायरो हब पर, और आज हम लोग बेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगेन आपको इस वीडियो को देखने के बाद बेस के लिए कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि टायरो हब पर आपको मिलता है कंप्लीट सेटिस्फेक्शन और कंप्लीट नॉलेज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेस के बारे में जानना। तो अब देखते हैं बेस का डेफिनेशन, बेस आखिर क्या होता है। तो देखो, बेस आर द सब्सटेंस दैट आर सोपी, स्लिपरी इन टच एंड बिटर इन टेस्ट। बिटर इन टेस्ट इज कॉल्ड बेस। वैसे सब्सटेंस जो कि सोपी है टच में, यानी कि जिसे साबुन पर आप हाथ रखते हो तो कैसे हाथ फिसल जाता है ना, स्लिपर कर जाता है ना, सोपी इन टच यानी कि हमेशा वो सॉलिड नहीं रहेंगे। साबुन तो सॉलिड ही रहे, सॉलिड ही होता है, तो जरूरी नहीं कि वो सॉलिड ही हो, ठीक, या फिर छूने पर आपको कारक लगे, ये जरूरी नहीं है। सोपी इन टच का मतलब है कि वे टच करने में स्लिपर होंगे, यानी कि उस पर आपका हाथ पैर जो भी रखोगे वो स्लिप करेगा, ठीक, तो स्लिपरी इन टच होगा। और उनका जो टेस्ट होगा, टेस्ट यहाँ पर इसको क्लियर लिख दो, बिटर इन टेस्ट, उनका जो टेस्ट होगा वो बिटर होगा, ठीक। तो वैसे सब्सटेंस को हम लोग बोलेंगे बेस, यानी कि जिसका टच, जिसको अगर हम लोग छुएंगे तो सोपी होगा, साबुन के जैसा उस पर स्लिप होगा, और उसका टेस्ट बिटर होगा। तो वैसे सब्सटेंसेस को हम लोग बोलते हैं बेस। और ये जो बेस होते हैं ना, इनका जो नेचर होता है वो क्रोसिव होता है, यानी कि ये किसी भी सब्सटेंस को ख़राब करने लगते हैं जल्दी। अगर किसी भी, मान लो कि ये मेरा मार्कर है, अगर इस पर हमेशा अपन साबुन लगा कर रखे, साबुन भी तो एक बेस है, अगर हमेशा इस पर साबुन लगा कर रखे तो ये जल्दी ख़राब हो जाएगा। वैसे ही अगर आपका कोई, जैसे आपका खिड़की है, खिड़की में जो रॉड वगैरह लगा है उस पर हमेशा साबुन लगा कर रखोगे या फिर कोई भी बेस लगा कर रखोगे तो ख़राब हो जाएगा, मतलब ये भी कोरोसिव इन नेचर है, ये भी कोरोजन करते हैं, ठीक। अब थोड़ा सा बेस का एग्जांपल देख लेते हैं। तो बेस का एग्जांपल आपका हो जाएगा जैसे CaO, ये सब बेस के एग्जांपल्स हो जाएंगे, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक, NaOH, सोडियम ऑक्साइड, मतलब जिसमें भी ऑक्साइड वगैरह रहता है ना, वो सब लगभग मोस्टली केसेस में वो सब बेस होते हैं, ठीक मेरे भाई। आप देखो, कोई कोई बेस ऐसे होते हैं, ठीक, कोई कोई बेस ऐसे होते हैं जो कि पानी में घुल जाते हैं, जैसे आपका सरफ हो गया, साबुन हो गया, वो सबको आप पानी में डालोगे तो डिजोल्व हो जाएंगे। तो वैसे बेसिस को हम लोग बोलते हैं अल्कलाइन, अल्कलीन, ठीक। बेसिस विच डिजोल्व इन वाटर, उसको हम लोग बोलते हैं अल्कलीन। बेसिस विच डिजोल्व इन वाटर, वैसे बेस जो कि पानी में घुल जाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं अल्कलीन्स, ठीक। तो देखो, बेस जो पानी में घुलते हैं उसको बोलेंगे अल्कलीन, यानी कि जितने भी अल्कलीन होंगे वो बेस होंगे, ठीक। लेकिन सारे बेस तो पानी में नहीं घुलते हैं, तो सारे बेस अल्कलीन नहीं हो सकते, लेकिन जितने भी अल्कलीन हैं वो सब बेस होंगे, ठीक। ये आप कॉन्सेप्ट याद रखो, क्या कॉन्सेप्ट है भाई, यहाँ पर लिख दे क्या, ऑल अल्कलीन, इसको थोड़ा सा सही से लिख दो, ऑल अल्कलीन आर बेस, बट ऑल बेस आर नॉट अल्कलीन, यानी कि जितने भी अल्कलीन है वो सब बेस है, क्योंकि वैसे बेस जो कि पानी में घुल जाते हैं उन्हीं को तो अल्कलीन बोला जाता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जितने भी बेस है सब अल्कलीन है, लेकिन सारे बेस तो पानी में नहीं घुलते हैं, इसलिए जितने भी अल्कलीन है वो जरूरी नहीं कि सब ऑल अल्कलीन, सारे अल्कलीन बेस है, लेकिन जितने भी बेस है वो जरूरी नहीं कि अल्कलीन ही हो, पानी में घुल ही जाए, ठीक। कोई होते हैं बेस ऐसे भी जो कि पानी में नहीं घुलते हैं, तो उनको हम लोग अल्कलीन नहीं बोलेंगे, ठीक। तो ऑल अल्कलीन आर बेसिस, बट ऑल बेसिस आर नॉट अल्कलीन। अब बेस के बारे में और अल्कलीन के बारे में जानने के बाद एक चीज आता है, बेसिक सब्सटेंसेस। ये क्या होते हैं भाई? तो देखो, वैसे सब्सटेंस जिसमें कि बेस प्रेजेंट है, उसको बोला जाता है बेसिक सब्सटेंस। बेस प्रेजेंट है यानी कि वो जो सब्सटेंस होगा वो क्या होगा, वो सोपी इन टच होगा, और उसका जो टेस्ट होगा क्या हो जाएगा, उसका जो टेस्ट हो जाएगा बिटर हो जाएगा, कड़वा हो जाएगा, बिटर इन टेस्ट हो जाएगा वो सब्सटेंस। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे,
बेसिक सब्सटेंसेस। ठीक, तो आई होप कि ये वाला आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। जैसे कि एसिड में हम लोग क्या देखते हैं कि एसिड HCl है, ठीक, और एसिडिक सब्सटेंसेस क्या जाएंगे जिसमें एसिड प्रेजेंट है, जिसमें HCl प्रेजेंट होगा। जैसे कि इतना भारी अगर आपको लग रहा है तो छोटा सा एग्जांपल हो साइट्रिक एसिड। साइट्रिक एसिड एक एसिड होता है ना, तो ये क्या है, ये एसिड है। लेकिन वैसे सब्सटेंसेस जिसमें एसिड प्रेजेंट होते हैं उसको हम लोग एसिडिक सब्सटेंस बोलते हैं। तो साइट्रिक एसिड लेमन में प्रेजेंट होता है, लेमन में, तो लेमन क्या हो जाएगा, एसिडिक एसिडिक सब्सटेंस हो जाएगा। वैसे सब्सटेंस जिसमें बेस प्रेजेंट होते हैं वो क्या हो जाएगा, बेसिक सब्सटेंस हो जाएगा। तो आई होप कि ये वाला भी कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब इसके आगे में जैसे बेसिक सब्सटेंसेस के कुछ एग्जांपल, जैसे कि सोप, इसमें बहुत सारे बेस प्रेजेंट होते हैं। ब्लीचिंग पाउडर, इसमें तुम्हारा कौन सा ब्लीच, BLEACHING ब्लीचिंग पाउडर हो गया, इसमें हमारा NaOH शायद NaCl प्रेजेंट होता है, ठीक, ब्लीचिंग पाउडर। तो ये सब बेसिक सब्सटेंस है और ये बेस हो गया इनका। तो बेसिक सब्सटेंसेस आपको समझ में आया, वैसे सब्सटेंस जिसमें बेस होते हैं बेसिक सब्सटेंस। अब इसके बाद देखते हैं, जैसे एसिड में एक साइंटिस्ट है ना अरहिनस चचा, उन्होंने थ्योरी दिया था, वैसे ही बेस में भी एक साइंटिस्ट थे अरहिनस ही, उनका भी नाम था, इन्होंने भी थ्योरी दिया था। तो जो एसिड के बारे में थ्योरी दिया था इन्होंने, उसको क्या बोला जाता था, अरहिनस थ्योरी ऑफ एसिड। लेकिन ये वाला थ्योरी बी में है, बेसिक के बारे में है, तो अरहिनस थ्योरी ऑफ बेस इसको बोला जाता है। अरहिनस, यहाँ पर इनका नाम ARRHENIUS अरहिनियस थ्योरी का स्पेलिंग तो आता है ना, अरहिनियस थ्योरी ऑफ बेस। ठीक, तो ये थ्योरी क्या कहता है, चलिए देखते हैं। तो अरहिनियस थ्योरी ऑफ बेस क्या कहता है कि वैसे सब्सटेंस जब आप उनको उनके एक्वस सॉल्यूशन में, यानी वैसा सॉल्यूशन जो कि पानी में डिजॉल्व हो सकता है उसको बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन। तो वैसे सब्सटेंस जिसको आप एक्वस सॉल्यूशन में डालोगे तो हमें हाइड्रोक्साइड या फिर हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं उस सॉल्यूशन में, तो हम वैसे सब्सटेंसेस को क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। ठीक, तो ये था इन अरहिनियस चचा का थ्योरी। क्या थ्योरी था एक बार फिर से देख लो, आई रिपीट, वैसे सब्सटेंस जो कि एक्वस सॉल्यूशन में जाने के बाद हमें हाइड्रोक्साइड या फिर हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं उनको हम लोग बोलते हैं बेस। अब मेरे भाई एक चीज़ तुम लोग याद रखो, वैसे एक ट्रिक है, देखो जितने भी बेसिस होते हैं ना उनके जनरली परमानेंटली नहीं या फिर हमेशा अपन नहीं बोल रहे, जनरली उनके नाम ऑक्साइड्स उसके बाद से हाइड्रोक्साइड ऐसे नामों से ख़त्म होते हैं, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, वैसे इस तरह के नामों से ये सब खत्म होते हैं। ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, इस तरीके के नामों से ये सब क्या होते हैं, ख़त्म होते हैं, इंड होते हैं, इनके लास्ट में ऐसे नाम होते हैं। अब एग्जांपल सोच के बताओ तुम लोग, ऑक्साइड का एग्जांपल दो, जैसे क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड तुम्हारा हो जाएगा। फिर से हाइड्रोक्साइड का अगर देखा जाए तो फिर से जनरली ले लो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये भी तो एक बेस है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये एक बेस हो जाएगा। फिर से अगर और एक प्यारा सी एग्जांपल देखा जाए तो वर्ल्ड वाइड फैला हुआ है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सब हो जाएंगे। फिर से हाइड्रोजन कार्बोनेट CaCO3 ऐसे हो जाएगा। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हम लोग बेस के दे सकते हैं। वैसे सब्सटेंस मतलब आप थोड़ा सा एक ट्रिक याद रखो, बेस के जो लास्ट में अगर एग्जाम में नहीं आए तो अप्लाई कर सकते हो, बेस के लास्ट का जो नाम होगा वो ऑक्साइड से, हाइड्रोक्साइड से, कार्बोनेट के साथ कार्बोनेट ऐसे लिखा रहेगा लास्ट में, हाइड्रोजन कार्बोनेट लिखा रहेगा। ये सब हाइड्रोजन कार्बोनेट को बाइकार्बोनेट भी बोला जाता है। इस तरीके के शब्द से बेसिस का नाम ख़त्म होता है। ओके, तो अरहिनियस थ्योरी हम लोग पढ़ लिए, बेसिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं, बेस का डिफिनीशन पढ़ लिया अपन ने, एग्जांपल देख लिए, एक छोटा सा ट्रिक देख लिए। अब थोड़ा सा बेस का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं कि ये जो बेस है तो किस तरीके से क्लासिफाइड किए गए हैं, फिर इनका केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे और आगे पढ़ेंगे। तो आप लोगों को पता है कि जो क्लासिफिकेशन होता है किसी भी चीज़ का वो किसी न किसी बेस पर किया जाता है, किसी न किसी आधार पर किया जाता है। ठीक, ऐसा थोड़ी ना है कि तुम्हारा मन किया इसको डाल देते हैं हम लोग जनरल ग्रुप में, इसको किसी और ग्रुप में डाल देते हैं, इसको कहीं और डाल देते हैं, ऐसा नहीं होता है, कुछ ना कुछ उसका क्राइटेरिया होता है। ठीक, तो जो सबसे पहला क्राइटेरिया है बेस को डिवाइड जिस पर किया गया है वो है स्ट्रेंथ के बेसिस पर बेस को डिवाइड किया गया है। वो कैसे डिवाइड किया गया है आप देखते हैं। तो देखो बेस स्ट्रेंथ के अनुसार दो तरीके के होते हैं, एक होता है वीक बेस
स्ट्रेंथ यानी कि पावर। तो पावर के आधार पर दो ही ना होगा, एक ताकतवर होगा एक कमजोर होगा, तो कमजोर हो गया और एक स्ट्रोंग होगा, स्ट्रोंग बेस। दो तरीके के बेस होते हैं, किसके आधार पर, स्ट्रेंथ के अनुसार। ठीक, तो स्ट्रोंग बेस क्या होते हैं, द स्ट्रोंग बेसिस आर द बेस विच अंडरगो कंप्लीट आयोनाइजेशन इन एक्वस सॉल्यूशन। यानी कि स्ट्रोंग बेसिस वैसे बेस होते हैं जब आप इनको एक्वस सॉल्यूशन में डालोगे ना, यानी कि आपको एक्वस सॉल्यूशन पता है, वैसे सॉल्यूशन जो कि पानी में पूरी तरीके से घुल सकता है, या फिर वैसा सॉल्यूशन जिसमें पानी मिला हुआ रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन। ठीक, तो स्ट्रोंग बेसिस वैसे बेस होते हैं जिसको अगर आप पानी में डालोगे या फिर एक्वस सॉल्यूशन में डालोगे तो पूरी तरीके से आयोनाइज हो जाएंगे। आयोनाइज हो जाएंगे मतलब इनमें जितने भी आयन्स होंगे वो सब टूट जाएंगे। जस्ट फॉर एग्जांपल में अगर अपन देखते हैं तो देखो, ये तुम्हें पता है जैसे क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, तो एक बेस है आपको पता है, तो ये स्ट्रांग बेस या फिर वीक बेस कब होगा, जब हम इसको एक्वस सॉल्यूशन में डालेंगे अगर ये पूरी तरीके से टूट के Na प्लस और ऑक्साइड माइनस ऐसे अगर टूट गया तब हम इसको बोलेंगे कि ये स्ट्रॉन्ग बेस है। अगर ये पूरी तरीके से नहीं टूटा तो बोलेंगे वीक बेस है। ठीक, तो आपको स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस समझ में आया, वैसे बेस जो कि एक्वस सॉल्यूशन में डालने के साथ पूरी तरीके से आयोनाइज हो जाते हैं यानी कि उनके आयन्स पूरे तरीके से टूट जाते हैं, तो वैसे बेसिस को हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बेसिस। और वैसा बेस जो कि पूरी तरीके से एक्वस सॉल्यूशन में आयोनाइज नहीं होता है, यानी कि जो उनके आयन्स होते हैं वो पूरी तरीके से नहीं टूटते हैं, तो हम लोग उसको बोलते हैं वीक बेस। वीक बेस के कुछ एग्जांपल अगर आप देखना चाहो तो लिख सकते हो जैसे कि LiOH, लिथियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, उसके बाद से क्या लिख सकते हो तुम लोग, BeOH, बेरियम हाइड्रोक्साइड, ये लिख सकते हो। फिर से स्ट्रॉन्ग बेसिस के तो एक प्यारा सा एग्जांपल लिख सकते हो, RbOH, रेबेडियम हाइड्रोक्साइड, ये सब हम लोग लिख सकते हैं। तो स्ट्रेंथ के अनुसार हम लोग पढ़ लिए, अब थोड़ा सा कंसंट्रेशन के हिसाब किताब से देखेंगे कि क्या होते हैं, बेसिस के क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है, उसके बाद से फिर आगे देखेंगे। चलिए देखते हैं कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन यहाँ पर लिख दो, इसे लिख दो, फिर एक ऐसे बना दो, इसमें क्या आ जाएगा, एक हो जाएगा कंसंट्रेटेड, एक हो जाएगा कंसंट्रेटेड, और यहाँ पर इसी का एक दूसरा हो जाएगा इधर, इसको इधर कैसे, हाँ ऐसे ठीक है क्या, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, इधर डाइल्यूट। तो देखो कंसंट्रेटेड क्या है, कंसंट्रेटेड जैसे पढ़ाई में होता है ना, एकदम कोई बच्चा एकदम कंसंट्रेटेड किया हो, एकदम पूरा एकदम उस देख रहा है जैसे, वैसे ही बेस में भी है, वैसे बेस जिसमें वैसा बच्चा जिसमें लेस डिस्ट्रैक्शन है, जो कि डिस्ट्रैक्शन बहुत कम होता हो, डिस्ट्रैक्ट बहुत कम होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंसंट्रेटेड बोलते हैं। ठीक, तो वैसे बेस जो कि जिसमें बहुत कम पानी हो, लेस अमाउंट ऑफ वाटर हो, लेस अमाउंट ऑफ वाटर, तो वैसे बेसिस को हम लोग क्या बोलते हैं, कंसंट्रेटेड बेस। ठीक, जस्ट एग्जांपल के साथ आप लोग समझ गए होंगे, कंसंट्रेटेड बेस में क्या होता है कि जो पानी का अमाउंट है वो कम होता है, और डाइल्यूट में क्या होता है, मोर अमाउंट ऑफ वाटर होता है, मोर अमाउंट ऑफ वाटर। ठीक, मोर अमाउंट ऑफ इसमें क्या होता है, पानी का जो मात्रा होता है वो ज़्यादा होता है डाइल्यूट में, और कंसंट्रेटेड में कम होता है। ठीक, जिसमें लेस वाटर होगा वो ज़्यादा कंसंट्रेटेड होगा, जिसमें ज़्यादा वाटर होगा वो कम कंसंट्रेटेड होगा। आप लोग वाटर को क्या समझ सकते हैं, डिस्ट्रैक्शन समझ सकते हो, डिस्ट्रैक्शन आपके फोकस को बिगाड़ देता है। जैसे आप पढ़ रहे हो, कोई बच्चा इधर से ढोलक पीट रहा है बगल में, या फिर पबजी खेल रहा है, तो कितना ज़्यादा डिस्टर्बेंस होगा। आप भी चल जाओगे खेलने के लिए, बोलोगे कि दो भैया मैं एक हेडशॉट मारकर दे देता हूँ, और एक हेडशॉट के चक्कर में पूरा चिकन डिनर लेने लगोगे, तो उसको वो क्या होगा, तुम्हारे लिए डिस्ट्रैक्शन हो गया। वैसे ही बेस के लिए वाटर डिस्ट्रैक्शंस हो जाएंगे, जिसके में जितना कम डिस्ट्रैक्शन होगा वो उतना ही कंसंट्रेशन के साथ पढ़ पाएगा। वैसे ही वैसा बेस जिसमें जितना कम वाटर होगा वो ज़्यादा कंसंट्रेटेड होगा, और जिसमें ज़्यादा वाटर होगा वो कम कंसंट्रेटेड होगा, यानी कि डाइल्यूट होगा। ठीक, अब ये दोनों ना कंपेरेटिवली टर्म है, मतलब एक दूसरे से तुलना कर बोला जाता है कि एक कंसंट्रेटेड है ये डाइल्यूट है। ठीक, अगर मान लो कि तुम्हारे स्कूल में, स्कूल को छोड़ो, जस्ट फॉर एग्जांपल यहाँ पर एग्जांपल देखो, मजा आएगा फिर समझ जाओगे। यहाँ पर एक तुम तीन ठो बोतल ले लो, लो नहीं सिर्फ देखो, एक बोतल, दो बोतल, और यहाँ पर तीसरा बोतल। ठीक, बोतल ले लो, टेस्ट ट्यूब ले लो, कुछ भी ले लो। ठीक, और दोनों में हमने एक बेस ले लिया, थोड़ा सा बेस ले लिया, कितना
5 ml, जस्ट फॉर एग्जाम्पल 5 ml हम लोग इसमें ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, NaOH ले लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं, ठीक। और इसमें सब तीनों में 5 ml है, ठीक, 5 ml ईच है तीनों में। और इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें इसमें हम लोग मिलाते हैं 10 ml वाटर, 10 ml वाटर। इसमें हम लोग मिलाते हैं 20 ml वाटर, और इसमें हम लोग मिला देते हैं 50 ml वाटर, ठीक। कोई दिक्कत है, कितना में भी कितना मिला, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पर सबसे ज़्यादा पानी इसमें है, क्या इसमें है ना, तो ये क्या हो जाएगा, अभी डाइल्यूट हो जाएगा, डाइल्यूट। और ये क्या होगा, इससे कंसंट्रेटेड होगा, इसके मुकाबले, इसको अगर सी लिख दो, अगर इसको बी लिख दो, इसको ए लिख दो, तो सी के मुकाबले बी ज़्यादा कंसंट्रेटेड होगा, क्योंकि इसमें कम पानी है, ठीक, मुकाबले ए कम होगा, कम डाइल्यूट होगा, ज़्यादा कंसंट्रेटेड होगा। लेकिन अगर यही बी को यहाँ पर ला दिया जाए तो ए के सामने तो डाइल्यूट हो जाएगा ना, क्योंकि इसमें ए से ज़्यादा पानी है, ए से ज़्यादा पानी है, तो ये ज़्यादा डाइल्यूट हो जाएगा, ए के सामने डाइल्यूट हो जाएगा, लेकिन सी के सामने कंसंट्रेटेड है। इसी को अपन बोल रहे हैं कि एक दूसरे से इसमें कंपेयर होता है, कि इसके मुकाबले ए ज़्यादा कंसंट्रेटेड है, इसके मुकाबले ए ज़्यादा कंसंट्रेटेड है, ए इसके मुकाबले ए ज़्यादा डाइल्यूट है, इसके मुकाबले ए ज़्यादा डाइल्यूट है, ऐसा मतलब इसमें कंपेयर होता है, तो इसीलिए इसको बोला जाता है कंपेरेटिवली टर्म, कंपेरेटिवली टर्म, कंपेयर होता है तो कंपेरेटिवली टर्म है। तो हमने क्या किया, बेस का क्लासिफिकेशन भी अभी अपन लोग देख चुके हैं काफ़ी अच्छे तरीके से। अब इसका भी केमिकल प्रॉपर्टीज थोड़ा सा देख लेते हैं। अब वो घड़ी आ गई है जिसका था आपको इंतजार, यानी कि इतना ज़्यादा झोल झाल समझने के बाद अब आपको मन कर रहा होगा रिएक्शन कराने का, ठीक। तो रिएक्शन कराने के लिए देख लो, उसके बाद से जाकर अपना रिएक्शन करवाते रहना, हाथ में फोड़ते रहना, कोई दिक्कत नहीं है, कौन आपको रोकने जा रहा है। तो देख मेरे भाई, पहला चीज़, पहला नोट करो, पहला क्या नोट करोगे, अगर हम लोग बेस को, अगर तुम्हारे पास बेस है, क्योंकि हम लोग बेस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो तुम बेस ही खरीदोगे, ऑफकोर्स बेस है, उसको अगर तुम लोग मेटल के साथ, यानी कि लोहा, चांदी, सोना, ऐसे चीज़ों के साथ, मेटल के साथ अगर तुम लोग रिएक्शन करवाओगे, दोनों को अगर एक में मिला दोगे, रिएक्शन कराओगे, तो क्या होगा कि ये जो सॉल्ट, ये जो मेटल है ना, मेटल, इस मेटल का सॉल्ट बन जाएगा। अगर मान लो कि तुम्हारे पास क्या है, कॉपर है, ठीक, तो कॉपर का सॉल्ट बन जाएगा। अगर तुम्हारे पास सोडियम है और इधर कुछ और है तो उसका बन जाएगा, तो सॉल्ट ऑफ, सॉल्ट किसका बनेगा, इस मेटल का नमक निकल जाएगा, सॉल्ट ऑफ मेटल, और साथ ही में यहाँ पर से हाइड्रोजन गैस भी क्रिएट होगा। अब क्या चाहिए, अब आपको चाहिए एक प्यारा सा नन्हा सा एग्जांपल। यहाँ पर देखो, 2 ग्राम NaOH लो, सोडियम हाइड्रोक्साइड लो, और यहाँ पर हम लोग क्या ले लेंगे, जिंक ले लेंगे, ZN जिंक ले लेंगे, तो रिएक्शन होगा। अब रिएक्शन होगा तो हमने क्या बोला था, सॉल्ट ऑफ मेटल, यानी कि ये जो मेटल है इसका सॉल्ट बनेगा, तो क्या बनेगा तुम्हारा सॉल्ट, सॉल्ट बनेगा एन, एक सेकेंड रुको, जिंक की वैलेंसी कितनी होती है, जिंक की वैलेंसी होती है 2, ठीक, सोडियम की वैलेंसी होती है 1, और सोडियम हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी होती है 1, ठीक। तो इसका जब हम लोग बनाने चलेंगे नमक, तो ऐसे हो जाएगा, यहाँ पर 2 यहाँ आ जाएगा, अभी OH को साइड रखना है, तो यहाँ पर आ जाएगा और इसका 1 यहाँ पर आ जाएगा। तो अब देखो क्या होता है, Na2ZN, ठीक, O2, ओके, ये हो जाएगा इसका कांड, प्लस H2, ठीक। ये जो मेटल है, ये जो मेटल है इसका नमक बनेगा, ठीक, और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, हाइड्रोजन गैस का क्रिएशन होगा। तो ये पहला केमिकल प्रॉपर्टी हो गया। अभी आप लोग क्या सोच रहे होंगे, कि अगर आप लोग यहाँ पर सोच रहे होंगे कि यहाँ पर OH था, OH था, यहाँ पर O2 है, H कहाँ चल गया, तो देखो यहाँ पर 2 था ना, 2 तो मतलब कि 2 का मतलब क्या है कि Na तुम्हारा 2 है, ऑक्सीजन तुम्हारा 2 है, हाइड्रोजन तुम्हारा 2 है, ये ना इसका मतलब हुआ, 2 आगे में लगा है, तो यहाँ पर तुम्हारा 2 सोडियम हो गया, एक जिंक जिसका मेटल है, मेटल का ही तो नमक निकालना है हमें, तो एक ए हो गया और एक ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया 2 ठो, और हमें यहाँ से हाइड्रोजन गैस को रिलीज भी तो कराना था, तो हमने क्या किया, हाइड्रोजन को निकाल कर फेंक दिया। तो यहाँ से हाइड्रोजन को अगर हम लोग निकाल लेते हैं, Na NaO वैलेंसी 1, ठीक, तो क्या हो जाएगा,
ZN, यहाँ पर Na2, ZN और O लास्ट में लग जाएगा, O2। ठीक, तो आई होप कि ये तुम्हें समझ में आ गया होगा कि यहाँ से हाइड्रोजन क्यों हटा, क्योंकि हाइड्रोजन को तो हमें निकलना ही था और यहाँ पर दो ऑक्सीजन है तो यहाँ पर भी दो ऑक्सीजन लास्ट में आ जाएगा, तो इसमें तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखते हैं दूसरा केमिकल प्रॉपर्टीज कि अगर बेस को ही हमारे पास तो सिर्फ बेस है, बेस को हम लोग क्या करते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड इसके साथ रिएक्शन करवाते हैं, मेटल भी नहीं है और उसका ऑक्साइड भी है तो उसके साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा फिर से नमक मिलेगा। नमक किसका मिलेगा, इसमें जो नॉन मेटल है उसका नमक मिलेगा और साथ ही हमें मिलेगा वाटर का। यहाँ पर तुम लोग H2O लिख लो, सिर्फ तुम लोग नमक बना लो उसके बाद H2O लिख देना, सही हो जाएगा एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है इसमें। ये हो जाएगा दूसरा नंबर। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, क्या एग्जाम्पल देखें, सबसे पहले बेस लिख लेते हैं, बेस को छोड़ो अभी हम लोग क्या लिख लेते हैं, हाँ चलो बेस लिख लेते हैं, बेस हम लोग क्या लिख ले, CA लिख लेते हैं, OH लिख लेते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक बेस हो गया, फिर से एक नॉन मेटल हमारा क्या है, कार्बन है हमारा नॉन मेटल, उसका ऑक्साइड यानी कि CO2 कैल्शियम मतलब कार्बन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ठीक, इस दोनों का रिएक्शन कराएंगे तो रिएक्शन कराने के बाद क्या होगा, सॉल्ट बनेगा। अब देखो सॉल्ट कैसे बनेगा, सॉल्ट होगा CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट और साथ में इसमें से वाटर रिलीज हो जाएगा, एक सॉल्ट बना। यहाँ से जो कैल्शियम है, कैल्शियम बेस में का वो आ जाएगा यहाँ पर मेटल के साथ आ जाएगा, मतलब मेटल का सॉल्ट बनता है ना, तो इसमें से बेस में से ये वाला निकल कर यहाँ पर आ जाएगा और ये जो CO है, CO यहाँ पर लग जाएगा, यहाँ पर 2 तो था है तो यहाँ पर एक 2 और इधर का एक ऑक्सीजन आ जाएगा CO3 और इधर एक ऑक्सीजन तो हमें लाना है तभी तो वाटर बनेगा ना। सबसे पहले हम लोग, अगर मान लो कि ये तुम्हें नहीं आ रहा है निकालने नहीं आ रहा है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ना इधर पानी लिख लेंगे, पानी का H2O लिख लेंगे। ठीक, तो इसमें से दो हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन को काट दो, H2 का काम खत्म, बचा कितना, इधर एक ऑक्सीजन बचा। अब जितना भी बचा सबको इधर लिख दो जैसे कि CA फिर C जित सबको जोड़ कर लिख दो, इधर O2 है और एक O3 CaCO3 हो गया, सिंपल सा है बस, जितना सेम है सबको जोड़ कर लिख दो, जो अलग अलग है उसको अपना देख लो। यहाँ पर जैसे सबसे पहले पानी लिख दो, पानी में क्या होता है, दो गो हाइड्रोजन होता है तो इसमें से यहाँ पर दो गो हाइड्रोजन तो था ही, दो गो ऑक्सीजन था तो हमने दो गो ऑक्सीजन काट दिया, दो गो हाइड्रोजन काट दिया क्योंकि यहाँ पर दो हाइड्रोजन पहले से था और अब क्या बचा था, यहाँ पर एक ऑक्सीजन बचा था क्योंकि एक ऑक्सीजन हमने इधर दे दिया था तो एक ऑक्सीजन इधर बच गया था लेफ्ट आउट और इधर दो ऑक्सीजन था तो दो और एक तीन ऑक्सीजन, तो हमने इधर तीन ऑक्सीजन लिख दिया और कैल्शियम को लिख दिया, फिर से कार्बन को लिख दिया और इधर तीन ऑक्सीजन को लिख दिया। तो इस तरीके से हमारा बन गया कि आई होप कि ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद से हम लोग क्या देखेंगे, इसके बाद से एक और चीज़ देख लेते हैं कि बेस को मेटल के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये कंडीशन होगा, नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये होगा। लेकिन क्या आपने सोचा कि अगर बेस को हम लोग एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा, बेस को हम लोग अगर एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या होगा, तो उसमें भी क्या होगा, नमक बनेगा, सॉल्ट तो सब जगह बन रहा है, सॉल्ट बनेगा और उसके साथ क्या बनेगा, उसके साथ भी बनेगा H2O। अब देखो कैसे बनेगा, एक कोई सा भी बेस ले लो जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस हो गया, एक एसिड ले लेते हैं HCl। ठीक, HCl सी बड़ा होता है HCl, सॉल्ट अभी छोड़ दो, सबसे पहले इधर लिख दो वाटर H2O इधर लिख दो और NaOH है। ठीक, NaOH है तुम्हारा इधर, मतलब कि यहाँ पर दो हाइड्रोजन है, इधर एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन हो गया, दोनों हाइड्रोजन को काट दो, इधर ऑक्सीजन सॉरी गलती से कट गया, दोनों हाइड्रोजन को काट दो। ठीक, एक इधर ऑक्सीजन है, इधर एक ऑक्सीजन है,
इसको भी मिटा दो क्योंकि ऑक्सीजन का भी काम हो गया। अब क्या बचा, Na बचा, Cl बचा, जोड़ कर लिख दो NaCl हो गया सीधा, क्योंकि Na तुम्हारा मेटल है, मेटल है आप सभी को पता है, तो मेटल पहले होता है, ये नॉन मेटल है तो ये बाद में होगा, तो NaCl हो गया। कितना इजी था, ठीक। सबसे पहले जो लास्ट में बनता है उसको लिख दो, वाटर को लिख दो, वाटर को लिख दो, उसके बाद से जिसमें जो होगा काटना है, जिस मतलब दो हाइड्रोजन होगा इधर से, दो हाइड्रोजन साइड से रिएक्टेंट साइड से दो हाइड्रोजन को मिटा दो, एक ऑक्सीजन को मिटा दो, जितना बच जाएगा उसको सॉल्ट में लिख दो, उसका सॉल्ट बनाकर लिख दो। इस तरीके से इजी हो जाएगा। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा बेस के बारे में, बेस क्या होते हैं उसका डिफिनीशन पढ़ लिया, कि उनका जो टच होता है वो स्लिपरी इन टच यानी कि सोपी इन टच होते हैं, साथ ही वो टेस्ट में कड़वे होते हैं, बिटर होते हैं, नेचर में कोरोसिव होते हैं, उनका जो नेचर होता है वो कोरोसिव होता है, किसी भी चीज़ को ख़राब करने वाले होते हैं यानी कि बदमाश होते हैं, बहुत ज़्यादा शरारती बच्चे होते हैं आपके जैसे, ख़राब कर देते हैं, कोरोसिव इन नेचर होते हैं। वैसे सब्सटेंस जिसमें बेस पाए जाते हैं, बेस पाए जाते हैं मतलब कि वो भी जो होंगे उनमें भी बेस का असर पड़ जाएगा, यानी कि उनका भी टच सोपी हो जाता है, उनका टेस्ट बिटर हो जाता है, वो भी नेचर में कोरोसिव हो जाते हैं। तो वैसे सब्सटेंसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिक सब्सटेंस बोलते हैं। ये सब हमने पढ़ लिया, बेस के कुछ एग्जांपल देखा हमने, NaOH हो गया तुम्हारा, ये सब हो गया हमने, ये सब देखा। फिर अल्कलाइन के बारे में पढ़ा कि वैसे बेस जो कि पानी में घुल जाते हैं उनको बोलते हैं अल्कलाइन। फिर हमने पढ़ा कि जितने भी अल्कलाइन है वो सब बेस होते हैं, क्योंकि वैसे बेस जो कि पानी में घुलते हैं उन्हें ही तो अल्कलाइन बोला जाता है। तो हमने अल्कलाइन के बारे में पढ़ा और ये जाना कि जितने भी अल्कलाइन है सब बेस होते हैं, लेकिन सारे बेस अल्कलाइन नहीं होते हैं, ठीक, ये हमने जाना। उसके बाद से बेस के क्लासिफिकेशन देखे, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, कंसनट्रेटेड बेस, डाइल्यूट बेस, ये सब हम लोगों ने पढ़ा। और उसके बाद ही हमने केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ा। और एक चीज़ आप लोग याद रख लो कि जितने भी बेस हैं ना, जितने भी बेस, लगभग जितने भी बेस हैं उनमें एक चीज़ कॉमन होता है, क्या, कि जब भी आप उसको पानी में डालोगे ना, जब भी आप उसको पानी में डालोगे बेस को, तो वो हाइड्रोक्साइड यानी कि OH आयन प्रोड्यूस करेगा, ठीक। कोई भी बेस है NaOH, इसको जब हम लोग पानी में डालेंगे तो ऐसे टूटेगा NaOH में, ठीक। जब बेस को हम लोग पानी में डिजोल्व करते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन बनाएगा ही बनाएगा, कोई इसमें शक नहीं है, ठीक। ये लगभग सारे बेस में कॉमन होते हैं। तो इसी के साथ हमारा जो टॉपिक है वो ख़त्म हो जाता है। आई होप कि वाला जो टॉपिक है ये आपको पसंद आया होगा और आपका देखकर ऐसे चेहरा खिल गया होगा कि वाह भाई वाह मज़ा आ गया। तो अगर आपका भी ऐसे होते वाला वीडियो को क्या करो, लाइक कर दो क्योंकि तो तुम्हें पसंद आया ही होगा, और चैनल को कर दो सब्सक्राइब कि ऐसे बेहतरीन वीडियो तुमसे कभी भी मिस ना हो। सब्सक्राइब कर दो और एक प्यारा सा कमेंट कर दो कि भाई ऐसे ही मेहनत करते रहो, हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे, ऐसा कमेंट एक प्यारा सा कर सकते हो, दिल वाला कमेंट कर दो। दोस्त के साथ शेयर करना है तो कर दो, नहीं तो नहीं करो, साले को पता चल जाएगा, तुमसे अधिक मार्क्स आ जाएगा, मत बताना, ठीक। शेयर को काट देते हैं, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, कमेंट कर दो, या फिर शेयर भी कर सकते हो यार, पता रहेगा तो एग्जाम में तुम्हें बता सकते, एक काम करो शेयर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, शेयर कर दो, ठीक। और सब्सक्राइब करने के बाद वहाँ पर ना एक घंटा होता है, ठीक, घंटा, वो घंटा को ऐसे टैप कर दो, टैप, तब बजेगा टन टन, उसके बाद से आपको भी नोटिफिकेशन मिलेगा टन टन कि भैया जी लाइव आ गए हैं, टायरो हब वाले आ गए हैं, और अब पढ़ने का टाइम हो गया है, पढ़ने के साथ मज़ा लेने का टाइम आ गया है। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।